ये सबसे अंतिम श्लोक है इस पाठ का, जिसमें अस्पष्ट लिखा हुआ है। श्लोक है कि प्रस्तर तले लता तरु ब्रह्मानुभवन्तु पिष्टा पाषाण सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाया जीवनो कामये नो जीवन मरणम सुचि। कवि के कहने का तात्पर्य है कि लताओं और वृक्षों से युक्त ये हमारा जो है भारत का बल प्रदेश होना चाहिए, प्रकृति से परिपूर्ण होना चाहिए। तो कवि कह रहा है कि लता अनवय देखेंगे हम, लता तरु गुलमा प्रस्तर तर लता मन होता है, लताएं तरु मन होता है वृक्ष। तो लताओं और वृक्षों की जो है पुष्प जो है प्रस्तर तर पत्थर के तले पिस्ता अनुभव तो पीछे नहीं, यानी फूलों को लताओं को ये पत्थरों में नहीं पीछे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, ऐसा लगे नहीं कि यह भारत संपूर्ण भारत बस पाषाण सभ्यता की हो ये चला रहा है, ताकि जो है वह जीवन में कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो सके, कोई जो है जीवन में एक अच्छा सुख का अनुभव न हो सके। कवि के मन में यही कल्पना है कि हम मनुष्य के सुखद जीवन की कामना करते हैं, उनकी प्रसन्नता पूर्वक जो उनका व्यक्तित्व इसकी कामना करते हैं, उनका जीवन क्लेशमय नहीं हो, उनका जीवन दुखी नहीं हो, ऐसा कवि के मन में यह इच्छा है कि हम सभी जो है भारतवासी जो है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, सुखी जीवन बिताएं। और लेकिन हम पर्यावरण की सुरक्षा रखें, पर्यावरण हमारा देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, वृक्षों की कटाई नहीं हो और हम अपने जीवन को एक अति उन्नत एक सुखद बिताने की हम जिस प्रेरणा लें, और कभी भी किसी को जीवन में कष्ट नहीं हो ये भी हमारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष की नीति है वसुधैव कुटुंबकम्, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी हमारे अपने हैं, ऐसा इस देश की नीति है, ऐसा इस भारत का सोच भी है।